कानपुर देहात में लगातार चोरी की घटनाओं से सहमा रसूलाबाद। बीते दिन पहले नोहा नौगांव के दो घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी की घटना के खुलासे में जुटी पुलिस को फिर चोरों ने दे डाली सलामी। व्यापारी के घर में रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर नशीला पदार्थ सूंघा कर किया बेहोश। नकदी व लाखों के जेवरात लेकर हुए अज्ञात चोर फरार। सुबह मकान का दरवाजा न खुलने पर पीड़ित के चाचा ने जगाया, उसके बाद घटना की हुई जानकारी। पीड़ित व्यापारी का आरोप, पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फॉरेंसिक टीम। एक घंटे बाद पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद पहुंची फॉरेंसिक टीम। लगातार चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में। पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दया गांव का। कहाँ रहते हैं? दया। क्या घटना घटी है? हमारे घर में चोरी हो गई है। कितना क्या नुकसान हुआ? नुकसान 15 से 20 लाख के बीच में नुकसान है। शिकायत की आपने कहीं? थाने में शिकायत की, थाने के लोग आए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं कहा डॉग वगैरह लेके आओ, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कैसे क्या घटना को अंजाम दिया चोरों ने? चोरों ने घटना को अंजाम दिया। हम दो भाई हैं, लेटे हुए थे और दोनों लोगों को कोई ऐसी नशीली चीज खिला दी, मतलब चुंगा दी कि हम दोनों लोग सोते रह गए। सब लोग भाई साहब मारे अभी भी बेहोशी हालत में पड़े हैं। हम कुछ ठीक है, अभी सो रहे थे, सो उठे हैं। तकरीबन जो घटना कार्य थी उसका समय क्या रहा होगा? तकरीबन समय 2 बजे के आसपास का समय। घटना की जानकारी कब हुई? घटना की जानकारी जब हम लोग सुबह उठे, जब उठाए गए दूसरों ने उठाया हमको, तब घटना की जानकारी हुई। 7 बजे की बात है। जिसको क्या लगता है आपको घटना करने की जानकारी? अब घटना करने में जो लोग हैं उसको भैया पुलिस देखे अपने हिसाब से। क्या कारोबार करते हैं, क्या व्यापार है आपका? व्यापार हमारा गल्ले का व्यापार है और भाई साहब की जर्दा किराने की दुकान है रसूलाबाद में थोक की। अच्छा, जो चोरी बता रहे हैं उसकी अनुमानित लागत जो रकम थी कितनी कीमत थी? 20 लाख रुपए। 20 लाख में नकदी थी और 20 लाख में ये मान चलो कि 1 लाख रुपए लमसम नकदी थी, बाकी जेवर था। शिकायत आपने पुलिस को की, आखिर में पुलिस का रवैया ढीला क्यों है? हाँ, शिकायत पुलिस को किया, पुलिस का रवैया ढीला है। क्यों ढीला है भैया? हम नहीं बता सकते सरकार क्यों रवैया ढीला है। किसी को जो बेहोश है उनको भी होश आया नहीं आया? नहीं भाई साहब को अभी तक होश नहीं आया है, हमको है थोड़ा थोड़ा होश। लगभग कितने लोग बेहोश थे घर में? 2 लोग बेहोश थे। अच्छा, कहाँ से उन्होंने घटना कार्य की थी, कहाँ से घर के अंदर दाखिल हुए? घर के पीछे से। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।